विजय सिन्हा जैसे छोटे आदमी का क्या हम लोग बात करें। विजय सिन्हा को पता है 3 करोड़ की आबादी गुजरात की, 177 करोड़ रुपया का प्लेन किसने खरीदा? गुजरात की आबादी 3 करोड़ है और 177 करोड़ रुपया का हवाई जहाज वहाँ के मुख्यमंत्री ने खरीदा। तो तिरंगा से ही नफरत है, हरा रंग से नफरत नहीं है, भाजपाइयों को तिरंगा से नफरत है और इस नफरत को अब धीरे धीरे करके वो निकाल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान आया है और बयान बिहार डायरी को लेकर आया है। कमाल की सियासत है बिहार की, हर बात में सियासत होती है। बिहार के सर्द मौसम में, सर्दी का मौसम है, तब भी राजनीति का तापमान चढ़ा हुआ है। एक नहीं कई मुद्दे हैं, कई सवाल हैं। बिहार डायरी की हम बात कर रहे थे, बिहार डायरी और बिहार डायरी पर हरा रंग क्यों है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को हरे रंग से इतनी नफरत क्यों है, ये भारतीय जनता पार्टी बताए बता भी रही है। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजीव रंजन पटेल हैं। अपने चिर परिचित अंदाज की वजह से जाने जाते हैं, अपने आक्रामक तेवर की वजह से जाने जाते हैं। पटेल साहब, कई दूसरे सवालों पर भी बातचीत होगी, लेकिन ये बीजेपी का ये हरा रंग है क्या? हमने बिहार डायरी नहीं देखा, हरा रंग है क्या बिहार डायरी में? उस पर आपत्ति है बीजेपी को। बीजेपी के प्रवक्ता है अरविंद सिंह, वो सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता है पीएफआई का रंग है हरा रंग। बीजेपी के प्रवक्ता का मानसिक हालत ठीक नहीं है। भारत के तिरंगा में हरा रंग है और सही बात है, बीजेपी को हरा रंग से नफरत है क्योंकि ये बीजेपी का जो मात्र संगठन आरएसएस है, 52 साल तक तिरंगा के खिलाफ रहा, अपने कार्यालय में तिरंगा फहराया नहीं। तो बीजेपी को तो सही में हरा रंग से नफरत है, उसको भारत से नफरत है, भारत माता से नफरत है। ये दिखावटी लोग हैं। आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगा फहराया था क्या? तो तिरंगा से ही नफरत है, हरा रंग से नफरत नहीं है, भाजपाइयों को तिरंगा से नफरत है और इस नफरत को अब धीरे धीरे करके वो निकाल रहे हैं। जब उनकी पार्टी की सांसद महात्मा गांधी के खिलाफ बोलती है तब नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं, संसद में बोलती है तब नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं। बीजेपी के लोगों को शर्म आना चाहिए। आजकल के बिहार के जो 17 MP हैं, मैं उनको नपुंसक कहूँगा। मैं 17 MP को नपुंसक इसलिए कहूँगा कि आज 26 जनवरी को लगातार 7वीं बार बिहार की झांकी को नेगलेक्ट किया गया। तो बिहार के मंत्री क्या कर रहे हैं मंत्रिमंडल में? बिहार की जनता ने चुना है, बिहारी गौरव और बिहारी अस्मिता के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। शर्म नहीं आता 17 MP को कि बिहार की झांकी अगर प्रस्तुत होती तो पूरे बिहार के बारे में देश और दुनिया के लोग जानते हैं। क्या हुआ, रिजेक्ट कर दिया? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत नीतीश कुमार के प्लेन से भी है। कह रही है नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, कह रहे हैं खरीद तो लिया है, सवारी नहीं कर पाएंगे, आरजेडी खेला करने वाली है, कुर्सी ही नहीं रहेगी मार्च तक। विजय सिन्हा जैसे छोटे आदमी का क्या हम लोग बात करें? विजय सिन्हा को पता है 3 करोड़ की आबादी गुजरात की, 177 करोड़ रुपया का प्लेन किसने खरीदा? गुजरात की आबादी 3 करोड़ है और 177 करोड़ रुपया का हवाई जहाज वहाँ के मुख्यमंत्री ने खरीदा। बिहार की आबादी 13 करोड़ है और 33 साल बाद ये जो खरीद की जो बात हो रही है, क्या 33 साल पुराना हेलीकॉप्टर पर कोई भारत का मुख्यमंत्री चढ़ रहा है क्या? 17 साल बाद ये निर्णय हुआ है, बिहार की सरकार ने 17 साल बाद ये निर्णय किया। विजय सिन्हा को पता आता है, तेजस्वी यादव सुपर CM है, उन्हीं के दबाव में ये सब फैसले ले रहे हैं आप। विजय सिन्हा को ABCD का तो ज्ञान है नहीं, बना दिया है झोला काटने वाले को विपक्ष का नेता। ये झोला काटने वाले लोग हैं, इनको कुछ आता पता है विजय सिन्हा को कि सुपर CM कौन है? तो सुपर PM अमित शाह। विजय सिन्हा के शब्दों में नरेंद्र मोदी से ऊपर अमित शाह, यही ना कहना चाह रहे हैं? विजय सिन्हा संवैधानिक पद पर रह करके इस तरह की बात विजय सिन्हा करते हैं, इनको शर्म आना चाहिए। विजय सिन्हा नीतीश जी के बारे में बोलते हुए, हमारे साथ जेडीयू के नेता राजीव रंजन पटेल थे। एक बिहार डायरी छपती है, हर राज्यों में छपती है, जिसमें पत्रकारों के, राजनीतिज्ञों के, अफसरों के महत्वपूर्ण नंबर होते हैं और हर साल ये बिहार डायरी छपती है। उसमें हरा रंग क्यों है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। नीतीश कुमार के विमान खरीदने पर सवाल उठा रही है, इसको लेकर राजीव रंजन पटेल साहब से बातचीत। इस इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।